जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे जो है वो है इंटेल का हेडक्वार्टर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं AR व्लॉग। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। सैक्रामेंटो सीरीज जो मैंने बनाई थी ईयर 2022 का पहला व्लॉग था और मेरा, और उसके बाद जो मैंने जितने व्लॉग डाले हैं सारे उसी से रिलेटेड थे। और थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियोस चेकआउट करने के लिए। तो संडे का दिन होता है और संडे के दिन यही होता है कि अपनी ग्रोसरीज पूरी करनी होती है, हमने फैमिली के साथ आउटिंग करनी होती है और आज का व्लॉग भी मैं यही बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने फेसबुक पे रिसेंटली अपना पेज क्रिएट किया है AR व्लॉग के नाम से, और चेकआउट कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मौसम मैंने सैन होजे में बहुत दिनों बाद देखा है क्योंकि पिछला दिसंबर जो हमारा गुजरा है और जनवरी थोड़ा फर्स्ट में, उसमें बिगेनिंग में मौसम काफी खराब रहा है और स्टॉर्म भी आया हुआ था और बारिश बहुत ज्यादा होती रही है। लेकिन इस मौसम के साथ वीडियो बनाने का अपना ही मजा है और इस वक्त मौसम बिल्कुल मिड में है, जैसे गर्मी भी है थोड़ी थोड़ी और हवा भी चल रही है, मतलब इतना पसीना भी नहीं आ रहा। तो चलें चलते हैं फिर। आज के ट्रिप की हमारी पहली डेस्टिनेशन एक पार्क है मिल पीटर्स में। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मेरे तरफ जो है वो है इंटेल का हेडक्वार्टर्स और उसके फ्रंट पे है कैनन्स का हेडक्वार्टर। अगर आपको नहीं पता, इंटेल जो है वो एक चिप कंपनी है जो कंप्यूटर्स की चिप बनाती है विंडोज़ की स्पेशली, और जो कैनन है वो एक कैमरे की कंपनी है जो ज़्यादातर DSLR और जो वीडियो शूट करने के लिए जो कैमराज होते हैं वो उनकी कंपनी है। हेडक्वार्टर्स वो यहीं पर ही है। और राइट नाउ मैं अभी इस पार्क में जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लेस है बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग प्लेस, एवरीथिंग इज़ नेचुरल। आप अगर वॉक करने वाले पर्सन हैं, ज़्यादा फेवरेट आपकी वॉकिंग है, तो आप यहाँ वॉक कर सकते हैं पीछे। और हम लोग अपनी वॉक करके आए हैं और सारा कवर करके आए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वो है फ्रीमॉन्ट में लेक एलिजाबेथ पार्क। यहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम है एलिजाबेथ लेक, और साथ ही पार्क बना हुआ है जहाँ पे ईट कर सकते हैं जो डक्स होती हैं। और अपनी फैमिली के साथ हम इस लोकेशन पे आए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाने का भी सामान लाए हैं और स्नैक्स जो होते हैं, तो इन्जॉय कराता हूँ मैं आपको अपने साथ साथ और मैं ख़ुद भी इंजॉय करता हूँ। यहाँ पे आके बैठे हैं बीच पे मस्त जोक मारा रे, सॉरी, जो एलिजाबेथ लेक है यहाँ पे बेंच बना हुआ है और हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं व्यूज यहाँ के सामने से बिल्कुल। और इतना नेचुरल व्यूज देख के बंदे का दिल वैसे ही मतलब एक तरह हो जाता है खुश, और हम भी बड़े खुश बैठे हैं। और खाने के लिए क्या आपके पास? मेरे पास ये लेज के शौकीन भी यहाँ बैठे हुए हैं और बोतल और स्नैक्स जो भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम वही खाते हैं। तो व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह बनी हुई है यहाँ से ही क्रॉस होकर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अपनी पार्टी कर रहे हैं, ये इस लेक की दूसरी साइड है, अपोजिट साइड, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं। तो आई थिंक सो कि हम लोग यहाँ से जाएंगे क्रॉस करके इस यहाँ से इस पॉइंट तक और यहाँ पे हम बैठेंगे जाके।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे ट्रेन जा रही है। एक्चुअली ये मालगाड़ी है, आई थिंक लास्ट वाली ये वाला डब्बा है इसका, ये फिनिश हो चुकी है। पहले मैंने एक सीन दिखाया जिसमें ये जा रही थी और ये यहाँ से क्रॉस होकर जा रही है। फ्री मॉड शहर है ये और शहर के अंदर से ही जाती है ये। व्लॉग को मैं अभी भी कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि हम लेक पीछे से फिर आए हैं यहाँ से, और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ओबियसली खाना, क्योंकि शालीमार एक रेस्टोरेंट है फ्री मोट में। अगर उसका खाना नहीं खाया तो फिर किसका खाया। और शालीमार एक्चुअली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ और चल के आपको दिखाता हूँ।